हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैंने विकास मवादी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं मुरादाबाद में एक और मेले में जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि 11 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और ये मेला 30 अगस्त तक रहने वाला है। हो सकता है ये मेला और भी बढ़े। अभी इसकी जो डेट थी वो 1 अगस्त से और 25 अगस्त तक थी, लेकिन 1 अगस्त से आप समझ सकते हो कि सावन का महीना चल रहा था और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा रहती है, मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा जाम रहता है, तो इस वजह से ये 1 अगस्त की जगह 11 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 25 अगस्त ख़त्म होने वाला था, लेकिन ये 30 अगस्त को ख़त्म होगा और हो सकता है कि 30 अगस्त से भी आगे बढ़ जाए ये, यानी कि सितंबर तक चला जाए, 10 सितंबर तक। तो चलिए अंदर चलते हैं, अभी स्टार्ट ही हुआ है। सो गाइस, ये वाला जो रास्ता देख रहे हो आप, ये आ रहा है पीली कोठी से सीधा और ये कांठ रोड है, इधर कांठ रोड निकल जाता है और यहीं पे ये यहाँ पे लगा हुआ है मेला, देख सकते हो पूरा प्रॉपर काफ़ी स्पेस है बाइक खड़ी करने का। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ की जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो बाइक खड़ी कर सकते हो आप आराम से और इसका कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा, ये पूरा प्रॉपर मेला है। आप अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको अंदर। और यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है 1 अगस्त से 25 अगस्त, ये बिल्कुल गलत है। 11 अगस्त से शुरू हुआ है और 25 अगस्त नहीं, 30 अगस्त तक है फिलहाल जो मुझे मिला, बाकी मैं आपको बता दूंगा। और ये पूरा प्रॉपर सीन है यहाँ का, काफ़ी हस्तशिल्प के नाम से तो आपको वो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो हाथों से बनाए जाते हैं, जो होममेड होते हैं या फिर जो घर में बनाए जाते हैं। आप सबको पता है यहाँ पे कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हो पीतल के प्रोडक्ट हैं। ये कितने रुपए का है? ये 200 के रेंज में है। अच्छा, अप्रॉक्स 200। तो आप ये देख सकते हो ये कुछ मोम के आइटम है, कुछ इस टाइप के आप यहाँ पे आके जो है ख़रीद सकते हैं। कुछ भी आइटम अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हैं यहाँ से आके। ठीक है, थैंक यू। और अभी शॉप्स जो है खाली पड़ी हुई है क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है कल ही, तो आपको जो है देखने को मिलेगा। बाकी बड़ा वाला झूला भी है जो कि हर मेले में रहता है और ये भाई साहब तो हमेशा आते रहते हैं। घुमा के तो दिखा दो एक बार, एक बार मार के दिखाइयो। अच्छा, मार के दिखाओ। हाँ, मार के दिखाओ, सारे गिराओ, सारे गिरेंगे ऐसे करके। नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ से आके गिराओ ना, यही से गिरा दिया। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइस, इधर मिलेंगे आपको बच्चों के झूले, देख सकते हो इधर बड़ा वाला लगा हुआ है ये, और ये सारे बच्चों के लिए हैं। इधर ट्रेन चल रही है, छोटी वाली बच्चों के लिए ट्रेन, आप देख सकते हो भैया ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक बच्चे का कितना प्राइस है इसमें बैठने का? 40 रुपये। तो आप देख सकते हो 40 रुपये में आप इसमें बैठ सकते हो, मतलब बच्चा बैठ सकता है, बड़े के लिए नहीं है। और ये पूरा है प्रॉपर, अभी स्टार्ट हुआ है कल ही और आज ही हमको पता लगा है, तो हम पहुंच गए हैं इसलिए यहाँ पे। और ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है बड़ी वाली, तो आपको दिखाते हैं कि ट्रेन कैसे चलती है। ये है सामने ट्रेन, ये कुछ ऐसा है, इसका रेट भी पूछेंगे। रेट तो आप नॉर्मली 40-50 तक होंगे, यहाँ पे 60 तक। बड़े वाले झूले का मैं रेट पूछ के बताऊँगा आपको। और बाकी ट्रेन ये स्टार्ट हो गई है, देख लो भाई। अभी लोगों की जो भीड़ है वो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि किसी को पता नहीं है। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और पहुंचा सकते हैं लोगों को। बिल्कुल भी ट्रेन में कोई, दो बंदे बैठे हुए हैं, देख लो दो बंदे बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं है। ऐसे ही यहाँ का हाल है, पूरा खाली पड़ा है, लेकिन आप अगर आओगे बड़ा वाला झूला आपको देखने को मिलेगा। और भाई वो भी चल नहीं रहा है अभी क्योंकि लोग काफ़ी कम है, थोड़े से लोग नज़र आ रहे हैं। स्टार्ट हो चुका है, देख लो आप भाई साहब, चालू होने वाला है, बस स्पीड बढ़ने वाली है, कुछ ही सेकंडों में इसकी स्पीड बढ़ने वाली है। रेस बढ़ा हुआ है अंकल जी। और ये भी अभी खाली है क्योंकि भाई पता ही है आपको, बढ़ गई रेस, देख लो उल्टा चल रहा है कि सीधा चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, उधर पर चलेगा, क्या बात है। इसका एड्रेस बता देता हूँ, ये जो मेला लगा हुआ है, ये लगा हुआ पिल्ली कोठी चौराहे के पास में। आप किसी से भी पूछोगे तो कोई भी बता देगा, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के खाने के लिए पूरी फुल व्यवस्था है, तो आप यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा 30 अगस्त तक, है ना। तो 30 अगस्त तक आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और हो सकता है इसकी जो डेट है वो आगे बढ़े, तो आप कभी भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मिलेंगे आपको। क्या नाम है, आप नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम बच्चन सिंह चौहान, आजम भाई।
तो ये कब तक रहने वाला है मेला, कब से कब तक? आपरा मेला जो है 30 अगस्त तक रहेगा और फिर अभी बढ़ने की उम्मीद है, 10 सितंबर तक अपना मेला पहुंचेगा। अच्छा अच्छा, 30 अगस्त से मतलब फिर बढ़ सकता है अभी? हाँ, 10 दिन कम से कम, अभी और 10 दिन बढ़ सकता है, 30 अगस्त तक अपना मेला रहेगा। ठीक है, तो लोगों से, मुरादाबाद की जनता से क्या कहना चाहोगे मेले पर? मेले सब आए, आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, दीप का मेला लगाया गया, मेले की आकर ध्यान बढ़ाए, हमारी सभी सभी आके जो है मनोरंजन करें, मनोरंजन की सभी चीज़ें इधर उपलब्ध हैं, एक से एक अच्छा झूला उपलब्ध है। ठीक है, थैंक यू सर, अच्छा लगा मिलकर आपसे बात करके।